हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजनेक टीवी, रिजनेक व्लॉग्स। तो आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मेरे साथ हैं नज़ीर साहब, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और मैंने इनको जब सुना था तो मुझे ऐसे लगा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब फिर से आ गए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरी खुशकिस्मती है कि एक्चुअली मैं तो टोटली फील्ड से आउट ही हो चुका हूँ। मतलब मैं गाता नहीं प्रोफेशनली, बस एक शौक है मुझे अभी फिलहाल गाने का। किसी ज़माने में मैं गाया करता था बड़े बड़े शोज में, काफ़ी बड़े बड़े स्टेज पे इंडिया में, मुंबई में स्पेशली, बहुत बड़े बड़े शोज में, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में मैंने गाया है। वॉइस ऑफ रफ़ी मेरा टाइटल था और मैं गाया करता था। मगर काफ़ी एक लंबा अरसा हुआ मैंने बिल्कुल इस फील्ड से बिल्कुल अलग ही हो गया बिल्कुल, और मेरा जॉब भी मेरा अलग हो गया। यहाँ पे आ गया मैं, तो मैं एज अ पी आर ओ यहाँ पे काम करने लगा और इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही दूर हो गया। मगर अचानक मेरी मुलाकात रिजवान भाई से हुई, तो वैसे ही मतलब जिक्र इनसे करने लगा कि भाई मैं भी गाता हूँ। तो इन्होंने पहले तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर अचानक जब इन्होंने मेरा गाना सुना तो बड़े मतलब इंप्रेस हुए। पता नहीं, इनको बहुत अच्छा लगा मेरा गाना। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और पहले तो यकीन नहीं आया था, मैंने आपको व्हाट्सएप भी कहा था नज़ीर भाई अपना गाना जो अपनी आवाज में, मुझे व्हाट्सएप में तो दो लाइनें गा के कि आपकी आवाज है कि नहीं है। चलिए अभी कुछ लाइव हम सुनाते हैं इनको। जी जी। तो हम सेशन करते हैं लाइव, मैं गिटार देता हूँ। जी, हम शुरू करते हैं। जी नज़ीर भाई सुनाइए कुछ। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, ओ किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरे क्या खता है, होता है ये भी के जमीन से भी कभी आसमान मिल गया। आपके जो कमेंट्स हैं बहुत वैल्यूएबल, वो जरूर आप लिखें। और नज़ीर भाई,
आप मुझे ये बताएं कि अपना आजकल वीजे के मतलब कोई इंफॉर्मेशन रूल्स के मतलब विजिट वीजे के मतलब क्या है? विजिट वीजा अभी एक महीना और इन लोगों ने, आज कल का न्यूज था कि एक महीना और इन लोगों ने बढ़ा दिया, इंक्रीज किया है उसका, जो एंड अगस्त में कर रहे थे, मुझे लगता है कि सितंबर तक का दिया। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये ऑटोमेटिक सितंबर तक जाएगा कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा? सितंबर तक है, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं मुझे लगता उसमें। अच्छा, सितंबर तक, चलो ये अच्छी अच्छी न्यूज हो गई है वो जो यूएई में रहते हैं उन लोगों के लिए जो विजिट वीजे में है। अच्छा नजीब भाई, अभी हम आपसे कौन गाना सुनेंगे? रफी साहब का। अच्छा, ये तो आपने सुनाया रफी का गाना, ठीक है। अभी आप मुझे किशोर दा का गाना, अरे वाह, सुनाए वो मेरे फेवरेट। इसकी एक खास बात मैं आपको बता दूं। जी जी। मैंने मेरी लाइफ में, मैं मुझे लोग जानते थे वॉइस ऑफ रफी, और मैंने गाए भी मैक्सिमम, मैंने गाने स्टेज पे जब भी गाए, बड़े बड़े शोज में गए, तो वॉइस ऑफ रफी और रफी साहब के गाने गाए मैंने ज्यादातर, और शोज में रवि सबके गाने गाता रहा, मगर मैं फैन रहा हमेशा किशोर कुमार का। अच्छा, तो मुझे बहुत सारे गाने मैं किशोर दा के भी मैं गाता था, बहुत सारे गाता था मैं। तो एक करते हैं एक गाना, देख लीजिए। चलिए ठीक है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। सोना हम जुदाई का उठाते हैं लो, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लो, इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। बहुत हो, बहुत हो, सही निभाया आपने गाना, मजा आ गया जी। नसीर भाई दोबारा आते हैं रफी साहब की तरफ। जी जी, तो जी बिल्कुल, ये गाना मुझे, मेरा फेवरेट है, तो बहुत कम लोग इसको अच्छा गाते हैं, तो इसका दिल दिन डल जाए। ओह, ये एक्चुअली एस डी बर्मन साहब का बनाया हुआ, आर डी बर्मन साहब के फादर एस डी बर्मन। अच्छा, अच्छा, उनका फिल्म गाइड का ये गीत है, और देवानंद साहब वैद्य रहमान जी, वो तो अभी जिंदा है, माशाल्लाह जिंदा है अभी तक, और देव साहब नहीं रहे, और इसमें से कोई भी नहीं रहा, मगर क्या बात है, तो क्या कंपोजिशन है, उनको ट्रिब्यूट करते हैं आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी। बिल्कुल, प्यार में जिल के सब जग छोड़ा और हुए बदनाम,
उनके ही हाथों हाल हुआ ये बैठे दिल को था अब ले कभी थे अब है परा दिन ढल जाए रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। बहुत हो फ्रेंड, कैसे लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? मिलते हैं अगली वीडियो पे। अपना और अपने दोस्तों का, सबका ख्याल रखिएगा। सी यू।